भाई दूज पर्व पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ में शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली को विधि विधान से मंदिर परिसर से रवाना हुई और बाबा केदारनाथ की शीतकालीन पूजा गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होंगी। वहीं बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के समय हर हर महादेव के जयकारों से केदार घाटी गूंज उठी। इस मौके पर मुख्य अतिथि बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय, मुख्य पुजारी शिवलिंग, वेद पाठियों, धर्माचार्यों, तीर्थ पुरोहितों, जिला प्रशासन, पुलिस, मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी समेत हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं। आपको बता दें कि श्री केदारनाथ भगवान के चल विग्रह डोली धाम से आर्मी की 6 ग्रेनेडियर बटालियन की बैंड की मधुर धुनों के साथ में रवाना हुई है, जो अपने पहले पड़ाव गौरी मंदिर गौरीकुंड पहुँचेगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। परंपरा के अनुसार आज प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे तक भस्मी पूजन, रुद्राभिषेक, महाभिषेक के साथ साथ परंपरा के अनुसार अंदर की द्वार ठीक 6 बजे बंद हो चुकी हैं और बाहर पूर्व दिशा की द्वार परंपरा के अनुसार 8 बजे से 8:30 बजे तक द्वार बंद हो चुकी है। परंपरा के वैदिक विधि विधान के साथ में बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और लगभग 4 बजे मंदिर के गर्भगृह में सफाई इत्यादि की गई। उसके बाद हवन इत्यादि का कार्यक्रम आयोजित हुआ और 5 बजे से 6 बजे तक समाधि पूजन हुआ। समाधि पूजन के पश्चात 8:30 बजे बाबा केदार की चल विग्रह डोली मंदिर से बाहर निकली है और आज बाबा केदार के धाम से चल विग्रह डोली प्रस्थान करेगी। आप जानते हैं कि इस वर्ष 27 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या का। अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ये एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुआ है और आज जब बाबा केदार के कपाट बंद हो रहे थे इस अवसर पर भी आप देख सकते हैं कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर उपस्थित है और उन्हें एक इतने ठंड के बावजूद एक उत्साह का वातावरण पूरे केदारपुरी में बना हुआ है।